ये क्या शो है भाई? पिंग पोंग शो, बैलून शो, बनाना शो। फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर जो चल रहा था वो कोई शो नहीं है, वो पॉर्न शूटिंग चल रहा था। फेमस नाइट लाइफ ऑफ फुकेट, पटोंग बीच, इसे बंगला वॉकिंग स्ट्रीट भी कहते हैं। वॉकिंग स्ट्रीट में घुसते ही हम लोग को एक लड़की दिखी जो किसी शो के लिए पूछ रही थी। हाउ मच टिकट प्राइस? नो टिकट, ओनली द किंग, बाय वन रिंग वन पर्सन। हम लोगों ने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया और शो के बारे में पूछा। पर ये क्या शो है भाई? शो में कोई एंट्री फी नहीं है, सिर्फ ड्रिंक लेना होगा। शो का नाम देखो एक बार, पिंग पोंग शो, बैलून शो, बनाना शो। टोटल 29 शोज है यहाँ पे। हम लोगों ने सोचा ड्रिंक्स का दाम और कितना ही होगा। बियर का दाम ज्यादा से ज्यादा 200 भात का होगा। फुल मजे से हम लोग लड़की को फॉलो करते हुए क्लब की तरफ जा रहे थे। थाईलैंड का नाइट लाइफ आप कभी भूल नहीं सकते। सब लोग इतने मजे करते हैं यहाँ पे, आप चाहोगे तो भी यहाँ पे बिना मजे के रह नहीं सकते। इतना कुछ है यहाँ पे करने को, रात को लगता है ये शहर जिंदा हो जाता है। नाम देखो एक बार इस क्लब का, इल्यूशन। अंदर वीडियो करना अलाउड नहीं था, लेकिन भाई साहब अंदर हम लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए रहे थे, लेकिन उस 5 मिनट में हम लोगों ने जो देखा भाई साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर जो चल रहा था वो कोई शो नहीं है, वो पॉर्न शूटिंग चल रहा था। ये कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड। उस शो को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, फुल न्यूड शो है। और हम लोग शो देखे नहीं क्योंकि वहाँ पे बियर का प्राइस बहुत ही महंगा था। 7-Eleven में जो बियर 40 भात का मिलता है, उस क्लब में वही बियर 800 भात का मिल रहा था, और ये 800 भात मिनिमम प्राइस। तो बहुत महंगा जगह है। अगर आपके पास पैसा है और अगर आप सिंगल हो तो आप एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ जा सकते हो। यहाँ से निकल के हम लोग गए एक डांस बार में, और डांस देखने के लिए तो एक बियर लेना ही पड़ेगा, तो हम लोगों ने भी एक एक बियर लिया। अब डांस का मजा लेते हैं और आप लोग भी मजे लो। जैसे मैं पहले भी कहा था, आप थोड़ा सा पैसा कमा लो, थोड़ा अर्निंग सोर्स एक बना लो, उसके बाद आप जिंदगी का मजा लो। वो किसी भी तरह हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ में जिसमें आपको मजा आता है वो चीज़ करो, तो जिंदगी में आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन टाइम फिर से नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे स्ट्रीट डांस चल रहा है। ऐसे ही कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे स्ट्रीट डांस होता है, लोग यहाँ पे कुछ कुछ डोनेशन करते हैं, स्कूल कॉलेज के लड़के हैं सब। Thank you.
बस मेरा दोस्त शायद इसी चीज को ढूंढ रहा था, समोसा। अमित दा समोसा देख के इतना खुश हुआ कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग ही देखो। हम लोग आए समोसा एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में, इंडियन फूड। वाह, इंडियन समोसा, दो समोसा 80 बात मतलब 170 रुपए के जैसा। कैसा है ब्रो, मस्त? वाह, यहाँ पर सब लोग एक्चुअली नेपाल से है या फिर बर्मा से है, मतलब म्यांमार से है, लेकिन रेस्टोरेंट का नाम है इंडियन रेस्टोरेंट। ये मैंने पहले भी देखा है, जैसे बांग्लादेश से भी लोग आए हैं, लेकिन फूड का नाम है इंडियन फूड। इंडिया के नाम से बिजनेस चलता है। फिर से मसाज नहीं भाई, फिर से मसाज नहीं, ये चीज़ मुझे मत दिखाओ। ये लड़की हम लोग को 2-3 बार पूछी इसके क्लब में जाने के लिए, और अमिता कह रहा है कि हम लोग BRP के पूरा फुल है, तो इसके साथ थोड़ा बहुत मजाक चल रहा था। ये लड़की मुझे दूर से कुछ कह रही थी, और पता नहीं कि उस टाइम पे मुझे ये लड़की बहुत खूबसूरत और इनोसेंट लगी, तो मैं उस लड़की के साथ थोड़ा हाय हेलो करने चला गया था, जस्ट नॉर्मल बातें चल रहा था। लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे वीडियो को ऐसे निकाला जैसे मेरा स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। हर तरफ ये शो वो शो, मतलब शो की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, इंसान चाहे भी तो इग्नोर नहीं कर सकता। आप लोग शायद सोच रहे हो कि ये सब लड़कियां हैं, लेकिन ये सब लड़कियां नहीं है, ये सब लेडी बॉयज है। इन लोगों के साथ आप लोग फोटो खींच सकते हो, 50 से 100 बात लेते हैं, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बांग्ला रोड बहुत ही बिजी रोड है एक्चुअली, पता नहीं हम लोग पूरे रास्ते पे जा रहे हैं और चारों तरफ ऐसे ही लोग और लोग। हम लोग फिर से गए एक क्लब में जहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा था, और यहाँ पे क्राउड भी ज्यादा था। इस लड़के ने हमें हमारे टेबल तक लेके आया। और ये लड़का जाते ही एक लड़की आई जो ड्रिंक्स के लिए पूछ रही थी, और ये लड़की कैमरा देख के कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। एक बियर लेके मैं तो फुल एंजॉय करने लगा, लेकिन मेरे दोस्त को पार्टीज उतना पसंद नहीं है, तो अमित दा यहीं पे बैठा रहा। तो दोस्तों ये था फुकेट का नाइट लाइफ, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।